मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से ट्रांसफर पॉलिसी शुरू हो जाएगी जो कि 30 जुलाई तक चलेगी। यह बयान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं को लॉकडाउन खुलने के बाद इसी बात का इंतजार था, क्योंकि अब मंत्रालय से लेकर बीजेपी दफ्तर तक ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा शुरू होगा और इससे दो तरह की भ्रष्टाचार की नदियां बहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके मंत्री रास्ता ही देख रहे थे कि लॉकडाउन खत्म हो और ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा शुरू हो पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग खुल जाएगी। दंगल रहेगा अब मंत्रालय के अंदर, और ये मान के चलिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अड्डा बन कराया जाएगा मंत्रालय, क्योंकि पिछले जब से सरकार आई ट्रांसफर पोस्टिंग लॉकडाउन की वजह से और काम बंद होने की वजह से सब बंद था। और इसमें जो प्रभावित होंगे, जो बड़वानी के जो एडिशनल कलेक्टर थे जांगड़े, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने की बात की, तो सीएम हाउस में फोन लगा के मेरा ट्रांसफर करा दिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो खरीदे गए थे उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि अब भ्रष्टाचार की दो नदियाँ बहेंगी, एक ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से मंत्रालय, और जब ये लोग फील्ड पे आ जाएंगे जिनको पोस्ट किया जाएगा, जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर दूसरी धारा भ्रष्टाचार की होती है। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।